Get the access to a giant believer, and you will become a great achiever. Get the access to a giant believer, you will become a great achiever. एक किसी जाइंट बिलीवर का एक्सेस मिल जाए तू बन जाएगा ग्रेट अचीवर जाइंट बिलीवर ग्रेट अचीवर नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम हर वीडियो को खड़ा होकर बना रहा हूं वापस आ चुका हूं पूरे एक्शन के अंदर ब्रिलियंस आपके आसपास कितना है ब्रिलियंस अराउंड यू विल बिल्ड द ब्रिलियंस विद इन यू किसके साथ रहते हो तभी ब्रिलियंस आएगा अंदर बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी मूवी देखे कौन सी नहीं देखे इंडिया आज लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर हो चुका है दो से मच अहेड ऑफ बॉलीवुड पूरा तो दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज हम बनाते हैं डेढ़ हजार से दो हजार मूवी हर साल बना रहे हैं आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बिलियन आई की हो चुकी है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का है फिल्म एक ग्रेट सोर्स होता है मूवी जिससे आप स्पोर्ट्स भी बढ़ा सकते हो कल्चर वैल्यू ट्रेडिशन हिस्ट्री को एक्सप्रेस कर सकते हो काफी फायदे भी होते हैं सोशल अवेयरनेस भी, भी बिल्ड कर सकते हैं डाउरी कास्ट डोमेस्टिक वायलेंस ऑनर किलिंग जेंडर इक्वालिटी दंगल मेरी कॉम कई मूवीज जबरदस्त क्योंकि मूवी स्पीक्स अ मिलियन वर्ड्स आपकी इमेजिनेशन को स्टिर कर सकता है मंथन इमेजिनेशन का बायोपिक यह एक जिंदगी की सच्चाई होती है इट इज अ रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ अब बात है कौन सी मूवी देखे कौन सी नहीं मैं केवल 20 मूवीज नहीं बताऊंगा आपको यह भी बताऊंगा कि कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए पहली कैटेगरी जिसको मैं दस में से दस नंबर देता हूं दूसरी कैटेगरी दस में से पांच नंबर देता हूं तीसरी कैटेगरी दस में से जीरो नंबर देता हूं आप कौन सी मूवी देखते हैं इससे पता चलेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है पहली कैटेगरी दस में से दस नंबर अगर स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी आपको जिताएगी वो बिजनेस बेस्ड मूवी आपको सिखाएगी वो अगर सोशल इश्यू बेस्ड है तो भारत को आगे बढ़ाएगी वो पेट्रियोटिक है तो लोगों को देशभक्ति सिखाएगी वो पीरियोडिक या यानी कि हिस्ट्री के ऊपर भी हो सकती है पेट्रियोटिकायोपिक किसी पर्सनालिटी पे हो सकती है कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री कल्चरल या स्पिरिचुअल मूवी हो सकती है अगर ऐसी कोई मूवी आप देख रहे हो दस में से दस नंबर देंगे बच्चों को भी दिखाना आसपास दिखाना अगर भारत का और अपने बच्चों का परिवार का भविष्य आगे बढ़ाना है लेकिन दस में से पांच भी दे रहा हूं कुछ मूवीज को अगर लाइट कॉमेडी है वैसे भी जो पहली कैटेगरी थी उनमें भी कॉमेडी कवर हो ही जाती है थ्री इडियट पहली कैटेगरी दस में से दस में आती है उसमें भी कॉमेडी हो जाती है ड्रामा एक्शन लव स्टोरी सस्पेंस आर्ट साइफाई सब मूवीज दस में से पांच नंबर पे हैं क्योंकि ये पहली कैटेगरी में वैसे भी कवर हो जाती थी जबरदस्ती केवल लव स्टोरी देखने का फायदा नहीं है लेकिन कुछ है दस में से जीरो नंबर जो कभी नहीं देखनी चाहिए आपके भविष्य को खराब करती है अडल्ट कॉमेडी हैं जी गंदी बातें जब करते हैं हॉरर मूवी कोई फायदा नहीं आपको गोल्ड स्टेटमेंट कभी अचीव नहीं कराएगा वायलेंस क्राइम फैंटेसी न्यूडिटी या बहुत गाली गलौज वाली अब्यूजिव मूवीज इनका फायदा नहीं होता है क्या मैं बॉलीवुड के खिलाफ हूं नहीं लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड भी भी टेल भी फिल्म वो जो आपको लेसन फॉर लाइफ दे सके ये मेरी जिंदगी की फिलोसफी है आज ये पूरा का पूरा वीडियो में बेस्ड है कि बिलीवर। किसी ऐसे आदमी के पास चले जाओ जिसके विचारधारा बड़ी शक्तिशाली है कोई जाइंट बिलीवर है मंडेला लिंकन टेरेसा कलाम या शहीद भगत सिंह अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसका बहुत जॉइंट बिलीफ है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है ब्रिलियंस ब्रिलियंस अराउंड यू यू वही बिल्ड करेगा विद इन असली संसार संसार कृष्ण नकली लेकिन वैसे इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूँ सुपर सॉलिड न्यूज वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ पहली मूवी कौन सी देखे फर्स्ट कैटेगरी सेक्स स्टेटमेंट वर्सेज सक्सेस स्टेटमेंट आप वो पहले सक्सेस स्टेटमेंट ले लेते हैं सुल्तान दिलाती है आ, क्या डायलॉग बोला कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना आपके पास है, तो आधी बाजी चुका है अगर पूरा आत्मविश्वास है तो तू आधी लड़ाई जीत चुका है लड़ने से पहले एम एस धोनी दो हजार सोलह में आई बड़ा अच्छा मेरे को डायलॉग इंस्पायर्ड हुआ वहां पे उसका गर्लफ्रेंड का किस्सा वो कुछ आ, मीडिया वाले आ गए तंग करने लगे और बाद में उसकी गर्लफ्रेंड रो पड़ी एम एस धोनी उसको क्या बोले इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं पावरफुल बात जब मैं भी आज सोशल सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस हो गया है आज करोड़ों लोग हमारे को देख रहे हैं तो कुछ अच्छी बात भी करते हैं कुछ हमारे बारे में बुरी बात भी करते हैं मैं रोज रोज डिमोटिवेट तो नहीं हो सकता ना कभी भी इग्नोर करो जैसे मैं करता हूं पावरफुल लेसन था ये से सक्सेस स्टेटमेंट वाले लोग जो जीता वही सिकंदर उन्नीस सौ बानवे की वो मूवी के आखिरी के चंद सेकंड ही आपकी हार और जीत का फैसला करते हैं वन डायलॉग यानी कि मतलब क्या डोंट स्टॉप व्हेन यू गेट टायर्ड स्टॉप व्हेन यू विन योर लिमिटेशन इज ओनली इन इमेजिनेशन लिमिटेशन इमेजिनेशन में है कितना सोचता है ना तो उतना ही बड़ा करेगा भाई मेरे बता रहा हूं मैं पीपल अराउंड यू डिटर्मिन योर स्पीड किसके साथ रहते हो उसी से स्पीड आएगी दे विल इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ योर सीड जो आपका बीज है उसको वही जर्मिनेट करेंगे ओनली अ चेंज मेकर कैन चेंज यू कौन से चेंज मेकर के साथ में है क्योंकि ब्रिलियंस अराउंड यू बिल्ड द ब्रिलियंस विद इन यू सेक्स स्टेटमेंट पे आते हैं वो थे सक्सेस स्टेटमेंट कई मूवीज न्यूडिटी दिखा रही है आपको सेक्शुअलाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन महिला को ऑब्जेक्ट बना दो मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है मैं इससे कैसे मजा ले लूं सच लिरिक्स जो आते हैं ना आजकल गानों के अंदर तेरा प्यार हुक्का बार हलकट जवानी सेकंड हैंड जवानी है वो क्या करिए बीड़ी चिल्लम चकनी चमेली में पुआ चढ़ा के आई चोली के पीछे क्या है भाग डी के बोस अच्छी बातें बहुत कर ली अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात क्या फायदा इसका ये क्या कर रहे हैं ये सारी औरतों को ऑब्जेक्ट बना दिया है ये मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस औरत ने जन्म लिया है कद्दू कटेगा सब में बटेगा तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त

उन्हें बढ़ाना पड़ता है छपाक मूवी आई एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर ग्रेट लेसन मॉरल था ये हाँ थ्री इडियट इसमें कितना कमर्शियल कॉमेडी ड्रामा सब था लेकिन इसमें मॉरल लेसन भी बहुत मजबूत था इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमियों को उखाड़ के निकाल के सामने रख दिया जॉली एल 2013 में आई इंडियन लीगल सिस्टम की कमियों को बताया मॉरल मैसेज था आर्टिकल फिफ्टीन आयुष्मान खुराना की मूवी कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात करी बात बड़ी सिंपल है इफ यू मिस द वे टू अ ग्रेट डेस्टिनेशन

एक ऐसा बिजनेस मॉडल सिखा दिया कि आप लो कॉस्ट सैनिटरी पैड कैसे बनाओगे पैड मैन क्या है जी ये स्टेबल इंटेलिजेंस की मूवी तो है टॉयलेट एक प्रेम कथा थी टॉयलेट हाँ जहां पे स्वच्छ भारत अभियान को समझाया उन्होंने लेकिन दूसरी तरफ शेकी इंटेलिजेंस की मूवी भी है बात बड़ी सिंपल है जी. टू कौन है तेरे आसपास जॉइंट बिलीवर जो बनाएगा तुझको ग्रेट अचीवर लेकिन इग्नोरेंट शेकी इंटेलिजेंस क्या आत्मा चुड़ैल नागिन विशकन्या जी स्टेबल एलिजेंसी नहीं देती है भूत बंगला तहखाना नागिन जानी दुश्मन हा, वीराना हाउस नंबर तेरा पापी गुड़िया थ्री एम भूत लुप्त तो ये सब नॉनसेंस है नॉनसेंस चलो मैं अगली कैटेगरी पे आता हूँ सेल्फलेस पेट्रियोटिज्म वर्सेस सेल्फिश एग्रेशन या लेकिन भी जाके लंका को जला करके आए थे था, लेकिन सही कारण पे बॉर्डर उन्नीस सौ सत्तानवे की वो मूवी उसमें भी अग्रेशन है लेकिन वहाँ बहुत सुंदर मैसेजेस हैं वो क्या एक बड़ा सुंदर आता है जहां सुनील शेट्टी बीएसएफ कमांडो थे भैरोज सिंह और वो किसी एक मुसलमान की कुरान अंदर रह गई थी आग लग चुकी थी पूरे गांव में वो बोल रहा है भाई चलो यहां से बोला मेरी कुरान शरीफ अंदर रह गई है वो भाग के अंदर बड़ी मुश्किल से गया और कुरान शरीफ लेके आया पूछा क्यों तू कुरान लेने गया तू तो हिंदू था बैरो सिंह वो क्या बोला हिंदू हूं इसीलिए तो ये कर्म करता हूँ तुम मारी कुरान निकाल कर ले आए साहेब हिंदू होना साहेब हिंदू हूँ इसलिए तो कर्म किया है अपने आप को भुलाकर दूसरों को संभालना यही तो हिंदू धर्म है वो एक और मूवी मैं ले रहा हूं तेरवी मूवी का एग्जाम्पल उरी दो में आई थी उरी तो ऐसी मूवी जिसने आठ ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया एक डायलॉग क्या बोला फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर है सर आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है परमाणु मूवी जो आपको न्यूक्लियर प्राइड दिया 2012 में पंद्रहवीं मूवी केसरी दो में आई थी बात सिंपल अराउंड गेट्स विद इन दस Build your resolution around association. Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. ये पकड़ लो एक मंत्र देके जा रहा हूँ मैं इसको जपना है हाँ. Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. ढूँढो वो believer जो बनाएगा आपको achiever. Selfless patriotism तो ठीक है. या selfish aggression भी है. 91% movies ऐसी बन रही हैं जिसमें useless violence का फायदा नहीं aggression criminal tendency को बढ़ा देता है ये. Shoot out at Wadala. वास्तव उड़ता पंजाब. Gangs of वासेपुर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई ये सब वो नॉन सेंस मूवीज थी कब तक देखोगे लव स्टोरी हॉरर और फिक्शन इकोनॉमिक देखो बायोपिक पेट्रियोटिक से ठीक करो एसोसिएशन फिक्शन नहीं एसोसिएशन इसलिए मैं अगला ले रहा हूँ रियल वर्सेस फिक्शन पांचवी कैटेगरी बदमाश कंपनी एक मूवी आई थी बिजनेस के ऊपर बाजार एक मूवी आई थी बिजनेस के ऊपर बैंड बाजा बारात आई थी बदमाश कंपनी में वो क्या बोला कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं एक आइडिया से बड़ा होता है बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है पहले जूते का बिजनेस किया फिर ग्लव्स का बिजनेस किया फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस किया उसमें उसका डाउनफॉल भी दिखाया दोस्त भी छोड़ के चले गए बदमाश कंपनी में न? वो शाहिद कपूर था शायद उसमें राय वापस खड़ा हो जाता है फिर क्या है उसके अंदर ना बाद में जब वो शर्ट का बिजनेस करता है तब तक वो लीडरशिप लेसन सिखा देती है मूवी कि तू बहुत खराब तरीके का व्यवहार किया तेरी पूरी टीम तुझे छोड़ के चली गई बाजार बैंड बाजा कई कमियां दिखाई मूवी के अंदर जिनको बाद में इंप्रूव करते दिखाया देखो उसमें कई लालच भी दिखाए थे ट्रू बिजनेस इज वेन एवरी वन मेक्स प्रॉफिट बिकॉज ओनली वन मेक्स प्रॉफिट इट इज कॉल्ड रॉबरी इसको चोरी बोलते हैं फिक्शन क्या फिक्शन इज मिसलीडिंग यूथ आज आप देखो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के चक्कर में अजीबो गरीब चीजें होती है विकास सरकार नाम का बंगाली लड़का तेरह साल का उसकी बेचारी की डेथ हो गई नाइलॉन की बेल्ट से उसने अपने आप को गले में बांध लिया था जैदी पर बारह साल का लड़का वो अब, फायर स्टंट को इमिटेट कर रहा था जो उसने टीवी पर देखा वायलेंस्यूज ड्रग्स थेफ्ट मर्डर क्राइम लाइफ सेटिंग हो रहे हैं फुरकान कुरैशी 16 साल का एक लड़का बेचारे को हार्ट अटैक खाली पबजी खेलते हुए आ गया सात से ज्यादा केसेस आए थे गुलाम मूवी के ऊपर जहां बच्चों की मौत हुई है गुलाम मूवी में वो स्टंट दिखाते हैं ट्रेन को साथ में भाग के ट्रेन को पार कर जाएगा आउट रेसिंग तीन महीने के अंदर इंडिया के अंदर जी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है फाइनल डे होता है जिसमें सुसाइड करके दिखाना होता है एसोसिएशन विद विजन लेस पीपल विल ब्लर योर विजन अगर आदमी विजन लेस है तो तेरा भी विजन खत्म कर देगा और

जो पहली फाइटर पायलट बनी थी इंडिया की, सात किलो से ओवरवेट थी एक सेंटीमीटर से हाइट कम थी इंडियन एयरफोर्स ने मना कर दिया गुंजन सक्सेना को ज्वाइन करने के लिए तुम सात किलो ओवरवेट हो और तुम्हारी हाइट रिक्वायरमेंट से एक सेंटीमीटर कम है

है जी अभी ये संजय दत्त को कॉपी करने में लगा हुआ है मैं इसको मार दिया मैं उसको मार दिया शौक है मुझको डॉन बनना है क्यों संजय दत्त से इंस्पायर्ड है शौक है बचपन से मेरा बाप बदमाश था मैं बदमाश हूँ संजू मूवी कभी नहीं देखना बायोपेक में संजू मूवी मेरे विचार में वो अपराध है अपने आप में मूवी देखना अमिताभ बच्चन

समरी क्या है जी समरी बड़ी सिंपल है कि रेकमेंडेड मूवी कौन सी है स्पोर्ट्स बेस्ड बिजनेस बेस्ड सोशल इशू बेस्ड पेट्रियोटिक बायोपिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री या कल्चरल स्पिरिचुअल ये सात कैटेगरी हैं जो देख सकते हैं लाइट कॉमेडी ड्रामा एक्शन लव स्टोरी सस्पेंस आर्ट टाइफाई ओके पांच नंबर दूंगा दस में से लेकिन पहली कैटेगरी ये देखनी है जो कभी नहीं देखनी वो है अडल्ट कॉमेडी हॉरर वायलेंस क्राइम या फैंटेसी न्यूडिटी एब्यूजिव जहां गाली बहुत दी जाती है बहुत सिंपल है किसके आसपास हो गेट द एक्सेस टू अ जाइंट बिलीवर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर ये मेरे जीवन का मंत्र है किसके साथ रहता हूं जब मैं अपने ब्रह्मचारी आश्रम में रहा करता था ना गुरुकुल में वहां से जो आध्यात्मिक जगत जा रहा हो उसकी धोती पकड़ लो और उसके पीछे लग जाओ वो आध्यात्मिक जगत जाएगा तुमको भी ले जाएगा यानी कि उसके एसोसिएशन में रहो धोती पकड़ लो मतलब धोती मत पकड़ो उसकी एसोसिएशन में रहो बड़ी सिंपल है गेट द एक्सेस टू अ जाइंट बिलीवर इसलिए मैं कृष्ण के माइंड को एक्सेस करना चाहता हूँ वो कैसा सोचते हैं वो जाइंट बिलीवर है तभी बनूंगा मैं ग्रेट अचीवर जिस तरह की फिल्में आप देखते हैं उससे पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है कीप योर सर्कल टाइट मेरा सर्कल बहुत टाइट है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मेरे क्वांटिटी फ्रेंड्स नहीं है क्वालिटी फ्रेंड्स हैं मैं क्वांटिटी लोगों से नहीं मिलता क्वालिटी लोगों से मिलता हूं कंट्रोल एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन यू कैन कंट्रोल एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन विद गेम चेंजिंग एसोसिएशन और फाइनली मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं मैं भी चाहता हूं कि आपका एक गेम चेंजिंग एसोसिएशन आपको दे सकूं और खुशखबरी क्या है इस बार 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस और इस बार 26 जनवरी हम आपको 26 के 26 कोर्सेज हमने बनाए सारे फ्री दे रहे हैं ये बोर्डलाइन नंबर फोन करके पता लगा लीजिएगा कि रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस क्या है हम भी अपने गणतंत्र दिवस पे लोगों के लिए करने जा रहे हैं इकतीस जनवरी के बाद से नो मोर स्कीम नथिंग हैपनिंग केवल इकतीस जनवरी तक है ये छब्बीस जनवरी से इकतीस जनवरी रिपब्लिक ऑफ बड़ा बिजनेस क्यों क्योंकि मैं भी चाहता हूं आपको मिलेगा दफर जायंट बिलीवर ग्रेट अचीवर सारे जॉइन बिलीवर देश के बड़े हमारे साथ हर, हर डिफिकल्टिचुएशन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि आपका एसोसिएशन हो चुका होगा इस वीडियो को शेयर करिए अपने बच्चों को दिखाई कौन सी मूवीज देखनी चाहिए वो गेम्स और नकली चीजों से बाहर निकल सके अपने आस पास कुछ लोगों को जरूर शेयर करिए मूवी कौन सी देखनी चाहिए और हमारे छब्बीस फ्री कोर्सेस का अगर फाइन उठाना चाहते हैं बोर्डलाइन नंबर पर फोन करिए खड़ा हो चुका हूं सुपर सॉलिड वीडियोस बना रहा हूं अगला वीडियो क्या आप रतन टाटा जी पे देखना चाहते हैं मार्क जकरबर्ग पर देखना चाहते हैं या एप्पल के फाउंडर के ऊपर देखना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन पे देखना चाहते हैं सरदार पटेल पर देखना चाहते हैं जिस पे भी देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अब नहीं रुकने वाला मैं इससे मैं पूरी फॉर्म में आ चुका हूं लाइक करके उत्साह बढ़ाइए वीडियो जरूर शेयर करिए नया सब्सक्राइब करिए नहीं तो वीडियो कभी मिलेंगे नहीं ऐसे पावरफुल एनिमेटेड सुपर सॉलिड वीडियो देख के आपका जीवन बदल सकता है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद